राम राम सारे आने, कैसे हैं आप सभी आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत प्यारी और अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ मेरी आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी अर्चना गौतम के ऊपर उनके कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर दिल्ली में उन पर काफी हाथापाई हुई थी और उनके पिताजी को लात घूसे भी मारे गए थे तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सब में भी अर्चना का साथ किसी नेता ने नहीं नहीं दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कोई बयान जारी नहीं किया भाई चलो किसकी गलती थी किसकी नहीं और देखिए ये एक महिला के साथ गलत हुआ है उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था इस चीज के लिए तो अब जब उन्होंने दो तीन दिन वेट किया तो देखो उन्होंने फिर इस पर स्टैंड लेने की अर्चना गौतम ने खुद कोशिश की है देखिए वीडियो में वो क्या कहती नजर आई तो मैंने वेट किया मुझे लगा था शायद अब पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या अब मुझे कोई एक रिप्लाई तो आएगा बट कुछ भी मेरे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गया तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये गलत है ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ ये मतलब हर देश की बेटी के साथ हुआ है जो है और अर्चना गौतम जी तो अपने इंटरव्यू में ये तक कहती नजर आई उन्होंने मोदी जी को और अमित शाह जी को लेटर लिखा है और कांग्रेस की बड़ी अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा है कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए क्योंकि दोबारा उन पर ऐसा हमला हो सकता है और वो शायद केस करने जा रही हैं तो इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या ये आपके हिसाब से जो भी हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे प्लीज़ ज़रूर देना क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये गलत हुआ है चाहे किसी भी पार्टी की महिला कैंडिडेट हो या जेंट्स कैंडिडेट हो इस तरह का ध्रुव व्यवहार नहीं होना चाहिए और कांग्रेस तो हमेशा से ही ऐसा व्यवहार करती आई है कैंपेन में उन्हें ऐसे लोगों के जो चर्चित फेस होते हैं उनकी उन्हें जरूरत होती है और बाद में वो उनका सिर्फ यूज एंड थ्रो कर देते हैं ऐसा उनका चलता रहता है कांग्रेस पार्टी के लिए शायद बिल्कुल भी नया नहीं है उनके लिए ये आम बात है और शायद इसीलिए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया अब कहाँ गई वो प्रियंका गांधी यूपी में कुछ सुई भी गिर जाए तो फट से भाग के वहां पे जाते हैं दोनों भाई बहन अरे खुद दिल्ली में इतनी बड़ी गाज गिर गई जब तो दोनों में से किसी का कोई बयान नहीं आया मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए